बेटी बोली है। अगला जन्म पिया में धरूंगी, अगला जन्म पिया में धरूंगी, नव तेरो पल्लो पकड़ूंगी। तो गम में गोता खाई रही हूँ, घर से जाई रही हूँ, कोई याद पिया आई रही है, मैं तो खाई रही हूँ। सुनीति जो है वन में जा करके पहुंच गई, मर नहीं पाई। क्यों? समय नहीं था मरने का परिचित महाराज। जब तक मरने का समय नहीं है तब तक चाहे परिचित महाराज आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप मर नहीं पाओगे। और समय अगर आ गया तो फिर बच नहीं पाओगे। एक बात और बता दूं लोगों आपको, इंसान पर जब मुसीबत होती है ना तो उसे फिर यही समझ में आता है कि अब तो मर जाएं। लेकिन लोगों आत्महत्या से बढ़कर के दूसरा पाप नहीं होता है। सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्महत्या करना। कभी अपनी जीवन लीला को बंधुओं समाप्त नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत पड़ जाए। कभी मरना नहीं चाहिए। हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहा हो, इससे अच्छे दिन आपके आगे आ जाएं और तुम पहले ही लुढ़क गए तो क्या फायदा है? अरे जो समय जब आ जाएगा मरने का तब अपने आप मर जाओगे। अच्छे कर्म करोगे, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करोगे, सबसे प्रेम से बोलोगे तो किसी दिन चलते फिरते मर जाओगे। याद रखना लोगों, बड़े समझने की बात है। ये बड़े समझने की बात है लोगों, बहुत समझने की, कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे, दूसरे के प्रति अच्छा सोचोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, किसी की बेईमानी नहीं करोगे, किसी की आत्मा को नहीं दुखाओगे, तो याद रखना किसी दिन तुम चलते फिरते ही मर जाओगे, तुम्हें दुख नहीं होगा। आपने सुना भी होगा बहुत से लोग कहते भैया वो तो शाम को रोटी खाए के परो और सवेरे जगो ही ना, हैं परे ही परे मर जाओ, हैं ऐसी मौत आती है लोगों की। क्यों? उन्होंने कभी गलत नहीं किया, झूठ नहीं बोला, किसी के प्रति अधर्म नहीं किया, चलते ही फिर तुम मर गए। और निरे अब आगे खटिया ही पे देखो डरे हैं, हाथ काम करते हैं ना, पाए काम करते हैं ना, आंखें पाए काम कर रही, चार पाई पे मलमूत्र त्याग कर रहे, और नरक को का लियो, जाओ से बड़ो और कछु नरक है। लड़का बहू देख रहे बोले दुकट्टा जी ना समेटो कम मरे, जो इन तब बह जा तो घर की गंदगी खत्म हो जाती। अब बोलो जाओ तो ज्यादा का नरक लियो। परिवार के लोग देख नहीं रहे, परिवार के लोग सेवा नहीं कर रहे, गालियां दे रहे, बदबू की वजह से, गंदगी की वजह से आपके कोई पास नहीं जा रहा है, है? अब जाओ से ज्यादा नरक का है? नरक में कोई मशीनें थोड़ी लगी हैं जो तुम जय हो तुम्हें मशीन में घुस दो जाओ नरक में चले जाओ। तुम सोच रहे हो भगवान ने ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, मरबे के बाद जाई
तब गन्ना कैसे कोलू कैसे बाई में घुसे दे जाएंगे नरक में ले। अब वो सिस्टम खत्म हो गया पहले वाला। अच्छा सरकार बदलते है, सपा की सरकार रहती तो भैया सपा वाले की चल रही थी खूब, हमारी खूब चली ऐसी बात ना है। वाह हम अपन खूब चलाई ली। अब ना है चलते यार, अब तो ने कछु कही ना है कर। चलो भीतर हम कछु कहता ही ना है। दो चार दिन कम गायब हो गए तो सीधे बुलडोजर आउट ही कर रही। हमारे पे कैसे ना चलाई हम बाबा जी को बुलडोजर। हम इतनी बुराई करे ना जो अपन घर पे बुलडोजर चलवा। मैं तो एक भागवत में कह दी तब मैंने 15 दिन बंदरगाह राखू और दोबारा कही तो ऐसे कहते जैसी भी चल जाए का हम चलन ना दी का हाँ पाए हाथ पाए जोड़े भगत काट ली भगवान कबू तो सुनी है कबू तो साकिन चली है हमारी हमें का याद रहे लोग कहाँ पहुँच गए कात कात कानून बंदो ना हम क्यों सरकार की का बुराई करो भाई। केवल जब कह रहे कि मतलब सरकार चेंज होती है तो नियम बदल जाता और कुछ बात ना। हाँ जाम बुराई वाली कोई बात ना है खैर। सौ नंबर थी 12 नंबर हो गई तो कहा मतलब है तू भी याद रहे लोगों नियम चेंज है। भगवान ने भी नियम चेंज कर दिए। क्या नियम चेंज किए? पहले लोग ये कहते थे कि मरने के बाद में नरक में जाओगे। परीक्षित महाराज पहले यही तो कहते थे कि जब गलत काम करोगे तो मरने के बाद नरक में जाओगे। अब नरक में अभागिन की लंबी लाइन लग गई तो भगवानों को तो टाइम कहाँ है। अब भगवान मारे फिर जन्म करवाए भगवान को बहुत काम है। फिर बेचारे 2-4 घंटा घरे हुए आराम करिए रोटी पानी खाइए कि ना खाइए। उन्हें भगवान ने नियम चेंज कर दिए। क्या नियम चेंज किए? बोले ने अभागिन को नीचे ही रखे। बोले अब तो अगर गलत काम करोगे अब यही करो अब यही भरो ताके बाद बिल्कुल फ्री है के मरो। जो ऊपर पहुंचो नए कागज बने तुरंत मोर लगे और नई जगह पठाए दे जाओ तब तरो। हाँ अच्छे काम करे हो तो आदमी बन जाओ और बुरे काम कहूं करे तो गधा घोड़ा बनिए पूरी जिंदगी ढेंचू ढेंचू करो ईंटे ला दो। हाँ भाई कर्म की देखो कर्म की सजा तो मिलनी है। भगवान कन्हैया से अर्जुन ने कहा था हे अर्जुन है कि तू कर्म कर फल की चिंता मत कर। परीक्षित महाराज ये कहा था कि तू केवल कर्म कर फल की चिंता मत कर। फल देने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ भाई। तू जैसे कर्म करेगा तुझे वैसा ही फल भी हम देंगे। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल देंगे बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल देंगे। भाई जी तो तेरे कर्म के अनुसार है। ए भैया एक बात हम आपको और बताएं कर्म की बात अगर आई है तो है। कि कर्म के अनुसार पांडाल में जितने भी लोग बैठे हमारे बुजुर्ग बैठे हमसे उम्र में बहुत बड़े बैठे हैं। 2-4 ही बैठे हुए हैं छोटे हमसे उम्र में हमसे सब बड़े बैठे हैं। आपने दुनिया ज्यादा देखी है। कर्म के अनुसार जिनके पास कभी इतना पैसा था इतनी जमीन थी कि उन्हें ये नहीं मालूम था कि हमारे पास कितना पैसा हवेलियां बनी थी। हवेलियां जिन्हें पुराने समय में कहते ठाकुर ठाकुर है भैया पूरे क्षेत्र की जमीन उन्हीं के पास रहती। तुम पैदा करो अनाज उन्हें दिया जाए। आज उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं रहा खाने वाला। हमने बहुत से जमींदार देख अपने जमींदार बोलते थे हमारे पड़ोस में एक जमींदार रहते उनकी इतनी लंबी कोठी ऊंची कोठी थी। उनकी कोठी देखो तो सर की टोपी गिर जाती नीचे बहुत ऊंची कोठी। उनके 2 लल्ला हैं। आज दोनों लड़कन की जा हालत हुई है कि 300 रुपया मजूरी पे जाते हैं घर घर काम करवे के लिए खेती में काम करवे के लिए। कर्म के अनुसार अब तुम शराब पियो 10-10 मेरियां द्वारे नचयो तो भाई बर्बादी तो वैसे हूँ। बात है सब कर्म की और मैं तो सच कहेंगे कर्म की रेखन तार तरे कर्म सुकर्म कुकर्म करावे। ये पैसा है ना पैसा ये पैसा सबरे कर्म करवाए दे। तुम कितने सीधे हो और तुमसे ज्यादा पैसा बढ़िया हो तो जो खोपड़ी अपने आप खराब हो जाती है। आओ कर्म की रेखन तार करे और कर्म सुख
कर्म कुकर्म करावे और कर्म भिखारी को भूख करे, कर्म कर्म भिखारी को भूख करे और कर्म ही भूख पे भीख मंगावे। ये सब बात है अपने अपने कर्म की, कर्म के अनुसार जो कभी राजा थे वो आज भिखारी बने बैठे हैं और कर्म के अनुसार जो कभी भिखारी थे वो आज राजा बने बैठे हैं कर्म के अनुसार। और भगवान जाने हम उन कैसे कर्म करे हुए हैं। कर्म ने कला दिखाई, कर्म ने कला दिखाई, घर घर की मांगत भोले भीख, कर्म ने कला दिखाई। याद रहे सुनीति पहुंची तो नारद मिल गए, ए लड़की कहां जा रही है? मरवे को आई। क्यों मरने क्यों आई है? कोई बेटा नहीं है। कोई बेटा के लिए मरो जा तो कोई बेटा सही मरो जा तो तुम एक पुत्र के लिए मरने आई हो। और बहुत से लोग इसलिए मरने आते, बोले बेटा हड़ाए हैं तो मर जाए सो बड़ी जाए। बोले नहीं बाबा जी मेरे उधर